हेलो व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाएंगे बगैर तंदूर के ही फ्राई पैन में तंदूरी चिकन। ये देखिए कितना बढ़िया हमारा चिकन फ्राई होकर के रेडी हुआ है। मैं आपको चेक करके दिखाती हूँ। देखिए, मैं इसको टमाटर हरी मिर्च की चटनी के साथ और ये प्याज के साथ सर्व करूँगी। तो आप भी मेरी इस रेसिपी से एक बार फ्राई पैन में तंदूरी चिकन ज़रूर बनाइए। मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह आपको मेरी रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। वीडियो को फुल देखिएगा, इसकी बिल्कुल मत करिएगा। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, इसके लिए मैंने 1 किलो चिकन लिया है। मैंने उसको अच्छे से धोकर के साफ़ कर लिया है और इसको देखिए इस तरीके के पीसेज में कट करवा लिया है। अब इसकी हम फर्स्ट मेरीनेशन करेंगे। तो फर्स्ट मेरीनेशन के लिए हम इसमें कुछ मसाले ऐड करेंगे। ये 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च ली है, इसको इसमें ऐड कर देंगे। ये 1/2 चम्मच गर्म मसाला लिया है, इसको इसमें ऐड कर देंगे। या 1/2 चम्मच नमक लिया है, नमक को इसमें ऐड कर देंगे। अभी मैंने 4 चम्मच भर के दही लिया है, दही को भी इसमें ऐड कर देंगे। अब इन सभी को हम अच्छे से मिक्स कर देंगे। अभी 1/2 चम्मच अदरक का पेस्ट लिया है, इसको भी इसमें ऐड कर देंगे। या 1/2 चम्मच लहसुन का पेस्ट लिया है, इसको भी इसमें ऐड कर देंगे। अब इनको भी हम इसमें अच्छे से मिक्स कर देंगे। इनको देखिए मैंने अच्छे से मिक्स कर दिया है। अब इसको या तो हम क्लिंग रैप से या फिर किसी भी तरीके की प्लेट से या ढक्कन से ढक करके इसको 1/2 घंटे के लिए हम ऐसे ही छोड़ देंगे। उसके बाद हम इसकी सेकंड मेरीनेशन करेंगे। ये गोश्त को रखे हुए देखिए 1/2 घंटा हो चुका है। अब हम इसकी सेकंड मेरीनेशन करेंगे, जिसके लिए हम इसमें कुछ मसाले ऐड करेंगे। ये 1/2 चम्मच भुना हुआ कोटा जीरा लिया है, इसको इसमें ऐड कर दिया है। अब ये 1/2 चम्मच सौंफ का पाउडर लिया है, इसको इसमें ऐड कर देंगे। अभी 1/2 चम्मच कुटा हुआ धनिया लिया है, इसको इसमें ऐड कर देंगे। ये 1/2 चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च ली है, इनको इसमें ऐड कर देंगे। ये 1/2 चम्मच पिसी हुई लाल मिर्च ली है, इनको भी इसमें ऐड कर देंगे। अभी मैंने थोड़ी सी कसूरी मेथी ली है, इसको सेक करके मैंने हाथों से मसल लिया है, इसको इसमें ऐड कर देंगे। अभी 2 नींबू का रस लिया है, इसको भी इसमें ऐड कर देंगे। ये 1/2 चम्मच चाट मसाला लिया है, इसको भी इसमें ऐड कर देंगे। अगर आपको खट्टा ज़्यादा पसंद है तो आप इसमें नींबू ज़्यादा ऐड कर सकते हो। अब इन सभी को हम अच्छे से मिक्स कर देंगे। ये देखिए मैंने इसको अच्छे से मिक्स कर दिया है। अब इसको हम ढक देंगे और ढक करके हम इसको कम से कम 4 से 5 घंटे के लिए फ्रिज में रख देंगे मैरिनेट होने के लिए। अगर आपके पास ज़्यादा टाइम है तो आप इसको ओवरनाइट या फिर 24 घंटे के लिए भी मैरिनेट करने के लिए रख सकते हो। इसको हम जितनी ज़्यादा मैरिनेट होने के लिए रखेंगे उतनी ज़्यादा अच्छे से हमारी बोटियाँ भी टेंडर हो जाएंगी और मसाला भी बोटियों में अंदर तक पिस जाएगा। इसको जितनी ज़्यादा देर हो सके मैरिनेट होने के लिए रख दें। मैं इसको करीब 4 से 5 घंटे के लिए मैरिनेट होने के लिए फ्रिज में रख दूँगी। फिर मिलते हैं आपसे 4 से 5 घंटे के बाद। गोश्त को मैरिनेट हुए 6 घंटे हो चुके हैं। मैंने इसको करीब 1/2 घंटे पहले ही फ्रिज में से निकाल दिया है। अब इसको हम फ्राई करेंगे। ये फ्राई पैन को मैंने चूल्हे पर रख दिया है, चूल्हे को ऑन कर देंगे। अब इसमें करीब 1 बड़े चम्मच जितना हम ऑयल ऐड करेंगे। मैं सरसों का ऑयल ऐड कर रही हूँ, आप चाहो तो इसमें दूसरा ऑयल भी ऐड कर सकते हो। और ऑयल को हम गर्म कर लेंगे। देखिए मैं आपको चेक करके दिखाती हूँ हमारा गोश्त कितने अच्छे से मैरिनेट हो चुका है। देखिए इसमें मसाला अंदर तक अच्छे से पिस चुका है। अब इसको हम फ्राई करेंगे। मैं गोश्त को शेलो फ्राई करूँगी, इस वजह से मैंने इसमें कम ऑयल लिया है। अगर आप इसको डीप फ्राई कर रहे हो तो आप ऑयल भी ज़्यादा लें, और गोश्त के अंदर आप करीब 4 से 5 चम्मच अरारोट डाल लें, जिससे क्या है आपकी गोश्त की कोटिंग हटे नहीं। ये ऑयल भी देखिए गर्म हो चुका है। अब फ्लेम को हम मीडियम कर देंगे और इसमें हम गोश्त को ऐड कर देंगे। अब हम फ्लेम को हाई रखेंगे और हाई फ्लेम पे इसको करीब 3 से 4 मिनट तक फ्राई होने देंगे। उसके बाद हम इसको पलटेंगे। आप इसकी फ्लेम को स्टार्टिंग में अगर मीडियम या लो कर देंगे तो ये आपका गोश्त जो है काफ़ी सारा पानी छोड़ देगा। तो इस बात का ध्यान रखें, आप स्टार्टिंग में तो पहले 3 से 4 मिनट इसको हाई फ्लेम पे ही फ्राई करें,
ये गोश्त को हाई फ्लेम पे फ्राई होते हुए देखिए करीब 4 मिनट हो चुके हैं। अब इसको हम पलट लेंगे। देखिए कितना अच्छा सा कलर आया है। अब फ्लेम को हम मीडियम कर देंगे और सारे गोश्त की बोटे को पलट लेंगे। ये सारे पीसेस को भी देखिए मैंने पलट दिया है। अब ये थोड़ा सा जो मसाला बचा है इस मसाले को हम इन पर लगा देंगे। अब इसको हम ढक देंगे और ढक करके हम इसको करीब 8 से 10 मिनट पकाएंगे। गोश्त को अच्छे से गला लेंगे। अब हम गोश्त के साथ सर्व करने के लिए चटनी बनाएंगे। तो देखिए मैंने 3 टमाटर लिए हैं, ये 2 हरी मिर्च लिए हैं और ये मैंने थोड़ा सा हरा धनिया लिया है। इन सभी को मैंने अच्छे से धो लिया है। अब इनको हम कट कर लेंगे। हरी मिर्ची, टमाटर और हरे धनिया को मैंने कट कर लिया है। अब इसको हम मिक्सी की जग में ऐड कर देंगे। अभी देखिए मैंने 5-6 गली लहसुन के लिए इसको इसमें ऐड कर देंगे। ये आधे चम्मच से थोड़ा सा कम मैंने नमक लिया है, नमक को भी इसमें ऐड कर देंगे। ये आधा चम्मच जीरा लिया है, जीरे को भी इसमें ऐड कर देंगे। अब इनको हम मिक्सी की हेल्प से पीस करके चटनी बना लेंगे। ये देखिए चटनी को मैंने पीस लिया है। अभी चटनी को हम प्याली में निकाल लेंगे। ये चटनी में आप मिर्ची और नमक आपके पसंद के हिसाब से ऐड कर सकते हो। ये हमारे गोश्त को ढककर पकते हुए देखिए 8 मिनट हो चुके हैं। अब इसको हम खोल करके चेक करेंगे, चेक कर लेते हैं गोश्त गला है या नहीं। देखें ये गोश्त तो हमारा अच्छे से गल चुका है, लेकिन अभी हम इसको करीब 3 से 4 मिनट और फ्राई करेंगे। हम ये गोश्त को दोनों साइड से इस तरीके के निशान आने तक फ्राई करेंगे। इनको बीच बीच में पलट करके चेक कर लेंगे। ये देखिए दोनों साइड से हमारा चिकन अच्छे से फ्राई हो चुका है। इस पर देखिए दोनों साइड अच्छे से स्पॉट भी आ चुके हैं। अब हम फ्लेम को तो ऑफ कर देंगे और इसको हम किसी बाउल में निकाल लेंगे। ये चिकन को देखिए मैंने उसी बर्तन में निकाल लिया है। अभी मैंने आधा चम्मच चाट मसाला लिया है, इसको हम इस पर ऐड कर देंगे। अब इसको हम इस तरीके से हिलाएंगे और अच्छे से मिक्स कर देंगे। अब इसको हम जिस भी प्लेट में सर्व करेंगे उसमें निकाल लेंगे। ये देखिए चिकन को मैंने प्लेट पे निकाल लिया है। अब ये देखिए मैंने थोड़ा सा मक्खन और थोड़ा सा देसी घी लिया है, इसको मैंने गरम कर लिया है। अब इसको हम इस पे डाल देंगे। ये बघार से क्या है, गोश्त का टेस्ट कई हद तक बढ़ जाएगा। अब इसको हम सर्व कर लेंगे। ये देखा आपने कितने सिंपल तरीके से हमारे फ्राई पैन में ही तंदूरी चिकन फ्राई होकर रेडी हुआ है। मैं आपको चेक करके दिखाती हूँ। देखिए कितना अच्छे से हमारा चिकन गल चुका है। मैं इसको टमाटर की चटनी और ये प्याज के साथ सर्व करूँगी। तो आप भी मेरी इस रेसिपी से एक बार तंदूरी चिकन ज़रूर बनाइए। मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह आपको मेरी रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। बाय, अल्लाह हाफिज़। फिर मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी के साथ।